जय फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं और आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं कि बिल्डिंग के अंदर आप ऑडिट के लिए जाते हैं तो आप फायर ऑडिट में क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी बिल्डिंग में आप जा रहे हैं उस बिल्डिंग का मैप आपके पास होना चाहिए, उस बिल्डिंग की हाइट आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग का एरिया कितना है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है। फिर दूसरा इसमें बनता है कि ओपन एरिया कितना है और कवर्ड एरिया कितना है। सबसे पहले आपको पूछना है एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, कवर्ड एरिया कितना है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है। फिर नेक्स्ट, बिल्डिंग के अंदर काम धंधा क्या चल रहा है। बिल्डिंग हॉस्पिटल पर्पज के लिए, कॉमर्शियल ऑफिस के लिए, मॉल हॉल होटल के लिए, किस पर्पज के लिए बिल्डिंग, किसी कंपनी के लिए है, किस चीज़ के लिए बिल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है, फिर आपको ये पता करना है। ये पता करने के बाद में फिर आपको ये पूछना है कि बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वाटर टैंक कैपेसिटी कितनी है और फायर टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो दोनों आपस में अटैच हैं या नहीं है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या होता है अगर दोनों अटैच हैं, तो अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो टैंक का, वाटर वाले टैंक का पानी भी उसमें लिया जा सके, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। फिर आपको अपर ग्राउंड टैंक की कैपेसिटी पूछनी है, जिसको ओवरहेड टैंक बोलते हैं, कि फायर फाइटिंग का ओवरहेड टैंक कितने कैपेसिटी का है, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता करना है कि हमारा जो पंप रूम है, पंप रूम आपने पता कर लिया कि पंप रूम सिस्टम आपने देखा, सारे पंपों को देखा कि ऑटो पे हैं, ऑटो पे चला के देखा, चलवा के देखा, डीजी को आपने मैनुअली स्टार्ट करके देखा, ये आपको फायर ऑडिट में देखना होता है। हमारी जो हर जगह की लाइन है वहाँ पे हाइड्रेंट आपने खोल दिए, कहीं पे फ्लोर पे आप होजिल चेक कर सकते हैं कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, आप डिटेक्टर सिस्टम कहीं पे लगा हुआ है, जिसको हम डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, हमारे जो पंप हैं वे कमांड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपने MCB को प्रेस करा, MCB पैनल पे लोकेशन जा रही है नहीं जा रही है, ये फायर ऑडिट में आप चेक कर सकते हैं। जितने भी एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगे हुए हैं, एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आपने प्रेशर, उनका केयर मेंटेनेंस प्रॉपर, उनका कार्ड बना हुआ है, रिफिलिंग डेट, उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो रही है, ये आप चेक करना है। वो प्रॉपर लगे हुए हैं, हैंगिंग हो रखे हैं, हर जगह पे खतरे के हिसाब से लगे हुए हैं, ये आपको देखना है। बिल्डिंग में एंट्री के सामने फायर पॉइंट बनाया हुआ है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं फायर पॉइंट बना होता है, वहाँ पे फायर बकेट रखी है, उनमें रेत या पानी है खतरे के हिसाब से या नहीं है, तो रेत ऐसा तो नहीं है जमा पड़ा है उसमें गंद पड़ी है, वो किसी बेल वगैरह के अंदर बकेट को बंद कर रखा है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर आपको देखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो पैनल वगैरह है सब ओपन तो नहीं है, कवर्ड है या नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग का कोई चांस तो नहीं है, कोई ओपन इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं पड़ी है, जो हमारे इमरजेंसी रूट हैं, एग्जिट रूट हैं, स्टेयर केस हैं, वो बंद तो नहीं पड़े हैं, ब्लॉक तो नहीं पड़े हैं, उन पर जो दरवाज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो, गेट इस्तेमाल कर रहे हो, वे अंदर की तरफ खुलने वाले हैं या नहीं है, कि आप इमरजेंसी में आए और उसको खोल के स्टेयर केस में निकल जाएं, आपने साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं है। आप किसी होटल्स के अंदर अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे गार्बेज वगैरह कैसा है, वेट और ड्राई है या नहीं है, वो धुला हुआ है, मस्से स्मेल तो नहीं आ रही है, बदबू तो नहीं आ रही है, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है। कहीं हॉस्पिटल वगैरह में है तो हमारे जो डीजी लगा हुआ है ये कितने केवीए का डीजी लगा हुआ है, हमारा बॉयलर कितने कैपेसिटी का लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा सिलेंडर और हमारा ऑयल रखा हुआ है, फ्यूल डीजल पेट्रोल रखा हुआ है, वहाँ पे मैट बिछा हुआ है या नहीं बिछा हुआ है, रबड़ मैट जिसको हम बोलते हैं, कि छोटा मोटा चिंगारी डालने से जिससे आग ना लगे, कोई फिसले ना, वो सब चीज़ें हैं। किचन के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और वहाँ पे प्रॉपर एक्सटिंग्विशरों की हैंगिंग है या नहीं है, किचन के अंदर ब्लैंकेट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और आप सारे सिस्टम को, पीए सिस्टम बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है नहीं है, हर फ्लोर पे अलाउंस करवा के देख सकते हैं कि हमारा पीए सिस्टम चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है इन केस ऑफ इमरजेंसी के अंदर। आपका जो रूट है, असेंबली एरिया सबको पता है नहीं पता है, असेंबली एरिया कहाँ पे है ये आपको पूछना है, साइन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, स्टेयर केस के पास साइन बोर्ड लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, और लिफ्ट के साइन बोर्ड लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये सब आप ऑडिट के अंदर चेक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चेक करना है,
सबसे पहले मैंने बिल्डिंग के अंदर जो बताया है आपका एरिया कितना है, कवर्ड एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक, अपर ग्राउंड टैंक क्या कैपेसिटी का है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितना भी खतरे के प्रकार से वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मेंटेन है या नहीं है, तो आप उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। वहाँ पे ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, खतरे के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक का पैनल है या पैनल रूम है या सर्वर रूम है, तो वहाँ पे CO2 टोटल फ्लोडिंग सिस्टम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कहीं पे ऑयल का खतरा ज़्यादा है, रिफाइनरी वगैरह है, तो फोम टोटल फ्लोडिंग सिस्टम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ड्राई केमिकल पाउडर का सिस्टम लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको खतरे के हिसाब से इंस्टॉलेशन है या नहीं है, उपकरण लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर फिर भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।